दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा स्टॉक है वो है गेल इंडिया। इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक को अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करें तो कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द कंपनी जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या इनके प्रोडक्ट्स है जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, गेल अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। ये जो स्टॉक है ये 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये गेल इंडिया जो है ये नेचुरल गैस कंपनी है एक इंडिया की। इट्स ओन ओवर 11,500 किलोमीटर ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन, ओवर 2,300 किलोमीटर ऑफ एलपीजी पाइपलाइन, 6 एलपीजी गैस प्रोसेसिंग यूनिट एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी। इट्स आल्सो हैव अ जॉइंट वेंचर इंटरेस्ट पेट्रोलेट एलएनजी लिमिटेड, रतनगिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड इट इज सीजीडी बिजनेस इन सेवरल सिटीज। स्टॉक है इसका 11,500 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन है, उसके अलावा 2,300 का इनका एलपीजी पाइपलाइन है, फिर 6 गैस एलपीजी प्रोसेसिंग यूनिट है स्टॉक के पास, फिर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, एक जॉइंट वेंचर है गिरी गैस एंड पावर लिमिटेड के साथ इनका है। उसके बाद क्या है कि गेल हैज अ होली ओन सब्सिडरी इन सिंगापुर एंड द यूएस फॉर एक्सपेंडिंग इट्स presence outside India in the segment of petrochemical trading and sales gas asset। ये जो stock है इनका अपना subsidiary business है सिंगापुर में and US में जो है इनकी expanding है, ये अपना presence show करना चाहते हैं outside the India। तो दोस्तों, next हम इस stock के ना revenue mixup को जानते हैं कि इस stock को कहाँ कहाँ से revenue मिलता है। natural gas trading and marketing से इनको 76.5% का रेवेन्यू मिलता है, पेट्रोकेमिकल से इनको 7.5% का रेवेन्यू मिलता है, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन से इनको 7.5% का रेवेन्यू मिलता है, एलपीजी एंड अदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन से इनको 5% का रेवेन्यू मिलता है, एलपीजी ट्रांसमिशन से इनको 1% का रेवेन्यू मिलता है, सिटी गैस से इनको 0.83% का रेवेन्यू मिलता है और अदर से इनको 1.4% का रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल स्टॉक का ना रेवेन्यू मिक्सअप था। तो दोस्तों, ये हमने अबाउट द स्टॉक जाना कि कंपनी क्या करती है, क्या इनके प्रोडक्ट के रेवेन्यू मिक्सअप को जाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टॉक के ना फंडामेंटल्स को जानते हैं। ये जो स्टॉक है इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 105 रुपीज पर शेयर। अब तक का जो हाई गया है वो गया है 114 रुपीज, अब तक का जो लो गया है वो गया है 83 रुपीज। तो दोस्तों, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 69,039 करोड़, की जो है वो है 12.3, आरओसी जो है 9.77% का है, नेटवर्थ जो स्टॉक की है वो है 64,927 करोड़ का, सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में रहा है वो रहा है 26.2% का, इसका जो अभी बुक वैल्यू 98.8 रुपीज का, आरओई जो है वो 8.67% का है, इसका जो ईपीएस है वो है 8.54 रुपीज का, सेल्स ग्रोथ जो रहा है ओवरऑल वो रहा है 57.2% का, आरओसी जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 16.4% का, डिविडेंड यील्ड ये अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड जो प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है 6.30% का डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है, का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, सेल्स ग्रोथ जो 5 इयर्स में रहा है वो रहा है 21.8% का, आरओसी जो 7 इयर्स में रहा है वो 14% का। तो नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। सबसे पहले हम प्रोज को जानते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.06 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये जो स्टॉक है ये 1.06 टाइम अपने बुक वैल्यू में ट्रेड की है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो गुड क्वार्टर देगी। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.8%, कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट 39.8% का मेंटेन करके रखा है। दोस्तों, ये हमने प्रोस को जाना। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना कॉन्स को जानते हैं कि इस स्टॉक में क्या कमी है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.8% ओवर अ लास्ट 3 इयर्स, कंपनी का
ओवरऑल 3 ईयर्स में ना लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ रुपीज 2837 करोड़। अर्निंग को इंक्लूड करके इनका अदर इनकम रहा है 2837 करोड़। तो दोस्तों ये स्टॉक का कौन सा, तो इसके सेल्स ग्रोथ पे नजर डालते हैं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इनके सेल्स ग्रोथ में भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। इसके बाद इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों। डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.11 है, तो कम है, डेट तो ना के बराबर। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं दोस्तों। इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51.91% है, एफडीआई की जो होल्डिंग है वो 25.87% है, एफआई की जो होल्डिंग है वो 16.4% है, पब्लिक का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट 5.82% का है। तो हमने ओवरऑल स्टॉक का फंडामेंटल जाना, स्टॉक का फंडामेंटल गुड है। तो दोस्तों ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था, आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, फ्यूचर में स्टॉक के ग्रोथ होने के चांसेस हैं दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। Thank you so much for watching.